Very good evening, everyone. My name is Shubham Singhania, and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2, Commerce and Management. In this particular video, we are going to discuss a very important topic, that is how to prepare for a PhD interview. So I am sure ki aapne bahut sare colleges and institutes mein PhD ke liye apply kar diya hoga, and now you must be worried ki hame interview ke liye kis tarike se prepare karna hai so that you can crack your PhD interview at any reputed institute. To aaj main is video mein interview se related cheezon ke bare mein baat karne wala hu. So let's get started. To sabse pehle to ek important cheez samajhni ye zaruri hai that the interview can take two dimensions. Do tarike ke aapke interviews ho sakte hain. The first interview type is in those institutes जहां पे आपको research proposal देना होता है. तो कुछ ऐसे institutes हैं, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं, इन यूनिवर्सिटीज में अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक रिसर्च प्रपोजल साथ में बना के सबमिट करना पड़ता है या फिर इंटरव्यू में लेके जाना पड़ता है. वेयर एज देयर आर सम अदर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईएम्स या अदर जो स्टेट बेस्ड यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे आपको कोई रिसर्च प्रपोजल नहीं देना होता. वहां पे सिर्फ आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपना एरिया सिलेक्ट करना होता है, दैट इज आप फाइनेंस सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर एचआर सिलेक्ट कर सकते हैं एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स. तो इन दो टाइप के इंटरव्यूज होते हैं. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन इंटरव्यूज के बारे में जहां पे आपको रिसर्च प्रपोजल देना होता है. सो नाउ इफ यू आर अप्लाइंग टू सच इंस्टीट्यूट जहां पे रिसर्च प्रपोजल है, तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि द मेजर पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज गोइंग टू बी इंक्लाइन टूवर्ड्स योर रिसर्च प्रपोजल. एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट अस से आपने अपना जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है वो फाइनेंस एरिया में बनाया है एंड अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक इज लेट अस से म्यूचुअल फंड्स. तो म्यूचुअल फंड के ऊपर आपने अपना टॉपिक बनाया, अपना प्रपोजल बनाया. नाउ दे आर गोइंग टू बी फ्यू बेसिक क्वेश्चंस, वन और टू क्वेश्चंस ऑन फाइनेंस एरिया. अपार्ट फ्रॉम दिस जो मेजोरिटी क्वेश्चंस होंगे वो आपके म्यूचुअल फंड्स पे पूछे जाएंगे. हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किस तरीके की रिसर्च मेथोलॉजी आप यूज करने वाले हैं. अगर आपने अपने रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर रिग्रेशन लिखा है या फिर कोई और टेक्निक के बारे में लिखा है तो उस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट आर सम ऑफ द अजम्पशंस ऑफ दोस टेक्निक्स, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. बट बाय एंड लार्ज जो आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू होगा वो आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर होने वाला है. सो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा अपने एरिया के बारे में पढ़ लीजिए, बीट फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर और ओबी, एंड ज्यादा से ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए कि जो एक एक कीवर्ड्स आपने लिखे हैं रिसर्च प्रपोजल के अंदर, लेट अस से आपने डेटा सोर्सेज के बारे में बताया है, आपने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया है, आपने लिटरेचर रिव्यू किया है, तो उसकी पूरी इनडेप्थ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए बिकॉज उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है. सो ये तो बात हो गई फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरव्यू की. सेकेंड टाइप ऑफ इंटरव्यू होता है जहां पे आपने सिर्फ अपना एरिया इंडिकेट किया है. दैट इज लेट अस से कि मैंने अपना एरिया फाइनेंस इंडिकेट कर रखा है फॉर्म में. नाउ दे वुड सर्टेनली गोइंग टू एक्सपेक्ट कि आपको फाइनेंस के बारे में डीप लेवल एक्सपर्ट नॉलेज है. तो यहां पे जो आपका इंटरव्यू होगा वो सारा का सारा फाइनेंस एरिया से बेस्ड होगा. अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आपसे मतलब ऐसे ही टॉपिक्स पूछे जाएं जो सिर्फ बैंकिंग के हो, म्यूचुअल फंड से हो, पूरे फाइनेंस एरिया से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है. एंड इसका रैशनल ये है कि अभी आपका टॉपिक सिलेक्ट नहीं हुआ है, अभी आपने अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं बनाया है, तो जो होराइजन है वो काफी ज्यादा वाइडर है. तो यहां पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जितना डिटेल में जाके आप फाइनेंस पढ़ सकते हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो कोर फाइनेंस हो, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिए बिकॉज क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं. तो इन दो टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज के लिए आपको प्रिपेयर करना है. अब आपको आई थिंक क्लैरिटी हो गई होगी कि जिस इंस्टीट्यूट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है. अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आप कम से कम टाइम में एफिशिएंटली प्रिपरेशन भी कर पाएंगे एंड अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट्स की जो इंटरव्यू है उसको भी क्रैक कर पाएंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. आई होप कि आपको इस वीडियो के जरिए कुछ सीखने मिला हो. अगर आपको लगता है आपने कुछ भी नया सीखा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा. टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.